Good morning friends, welcome to RRB NTPC in 7 days crash course by Devashish Kumar. Mera naam hai Devashish Kumar aur is channel mein aapke RRB NTPC ke sare courses sirf 7 days mein complete kiye jayenge. Ye 7 days jo hai ye aapke per day 6 ghante ke hisab se tino subjects ke course lagaye jayenge jisse ki aapke railway NTPC mein selection इजीली हो सकते हैं. मैं यहां पे फुल कोर्स करवाऊंगा. ये पहला लेक्चर है और सबसे पहले हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर से. सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का एलजेब्रा. इस लेक्चर में एलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में आने के चांसेस काफी ज्यादा है. सो आपको किसी दूसरे चैनल में नहीं जाना होगा, सिर्फ इसी चैनल के सारे वीडियोस देख लीजिए और मैं एश्योर कर सकता हूं कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के चांसेस फुल्ली बढ़ जाएंगे बिकॉज मैं यहां पे सारे सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा. सो इस लेक्चर में हम लोग एलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे. एलजेब्रा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं भी आपको करवाने वाला हूं. सो प्लीज आप लोग अपने कॉपी ले लीजिए, नोट डाउन करते रहिए. जो भी मैं करवा रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक एलजेब्रा से. सबसे पहले हम लोग को पता है कि ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ये तो आप सभी को पता होगा. सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो अगर हम लोग a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ये भी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. यहां पे टू ए बी और टू ए बी कट जाएंगे बिकॉज एक में प्लस है एक में माइनस है. सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दो बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहे हैं तो मैं इसे कॉमन लेके 2 इंटू ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर. सो यहां पे एक इक्वेशन हम लोग के पास आ जा रहा है कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर. ये वाले पोर्शन को हम लोग इसके नीचे लेके आ जाते हैं डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2. सो कोई भी क्वेश्चन जो इस फॉर्मेट में होंगे उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा. सो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 174 प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 174 माइनस 32 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 174 का स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर. सो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे सबसे पहले ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसके स्क्वायर्स को ऐड करते हैं. बट हम लोग ये आइडेंटिटी से जानते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम इसी तरह है तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 आप लोग लिख सकते हैं. कुछ भी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ सिंपल मेथड. नाउ सेकेंड क्या है, हम लोग को फिर से लिखना होगा ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है. ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में ये दोनों को ऐड किया था. सपोज कि एग्जाम में ऐड के जगह पे माइनस रहे तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस अगर रहा क्वेश्चन में माइनस ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर
हम लोग को इन दोनों को माइनस करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो टू ए बी, ए स्क्वायर कट जाएंगे, बी स्क्वायर कट जाएंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा आंसर फोर ए बी। सो क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये ए बी को हम लोग यहाँ पे नीचे लेके आ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर फोर। सो सपोज कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहे, सपोज 174 प्लस 32 टू द होल स्क्वायर माइनस 174 माइनस 32 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 174 इंटू 32। इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है 4। हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी से देखा है, आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं जो कि अलजेब्रा में इम्पोर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू फाइव, देन हमें निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के प्लीज मत घबराइएगा, ये बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को पता है कि जब भी x प्लस वन बाय एक्स का जो भी वैल्यू होता है, हमें कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर, और फिर उससे 2 माइनस कर देना है। आपका आंसर होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल्स टू 23। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 23। नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन के एक हाई लेवल क्वेश्चंस में जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ रहे रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स इक्वल्स टू रूट सेवन, देन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू क्या होगा। यहां पे हम लोग को जस्ट एक्स का स्क्वायर का वैल्यू पता करना था, यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू निकालना है। ये इसका हाई लेवल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं कि ये कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसके रूट एक्स का स्क्वायर करना होगा और हमें निकालना होगा वैल्यू एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू। तो सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे, रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे तो होगा सेवन, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे टू इक्वल्स टू फाइव। अब हम लोग को स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव, फिर टू माइनस करना है इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री। हमने एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है, अब हमें निकालना है एक्स टू द पावर फोर। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स टू द पावर फोर, यही मेथड यही सेम मेथड हम लोग फिर से यूज करेंगे, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फोर इक्वल्स टू, फिर से वही प्रोसेस होगा, ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर करेंगे हम लोग और फिर उससे टू माइनस कर देंगे। ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर होता है फाइव ट्वेंटी नाइन, इससे फिर टू हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आप लोग का हो जाएगा फाइव ट्वेंटी सेवन। प्लीज आप लोग नोट करते जाइए, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए इस टाइप के क्वेश्चंस, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक्स प्लस वन बाय एक्स या फिर रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, सपोज एग्जाम में अगर ये प्लस के जगह पे माइनस रहे तो हम लोगों को क्या करना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग जाते हैं।
सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू रूट 7 और हमें पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे हम लोगों ने प्लस के लिए किया था माइनस, सो सेम उल्टा कर देना है, यहां पे क्वेश्चन में माइनस है तो हमें प्लस को लेकर के चलना होगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले x माइनस 1 बाय x का वैल्यू जो भी दिया हुआ है रूट 7, हमें उसका करना है स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है और उसमें 2 ऐड कर देंगे, दैट मींस 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के हाई लेवल क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। सपोज कि क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू रूट 3 और आपको निकालना है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 इसका वैल्यू, क्योंकि यहां पे माइनस है तो आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे x प्लस 1 बाय x का, माइनस है यहां पे, सो हम लोगों को करना है ऐड। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और उसमें हमें ऐड करना है 2 इक्वल्स टू 5। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। हमें x प्लस 1 बाय x का वैल्यू पता चल चुका है, अब हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू। यहां पे प्लस है और यहां भी हमें प्लस का ही वैल्यू निकालना है, तो सेम इसी मेथड के हिसाब से हम लोग चलेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था। 5 का स्क्वायर लेंगे और उससे 2 माइनस करेंगे। जी हां, यहां पे हमें माइनस करना होगा बिकॉज इससे पहले स्टेप में ही हम लोगों ने x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकाला था, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 इक्वल्स टू 23। अगेन x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ये 23 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, 529 माइनस 2 इक्वल टू 527 हम लोग का आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलजेब्रा के, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करते जाइए, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम दे रहे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी हम बताते हैं। हम लोगों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी होता है, ओके अगर हम इसी को दूसरे आइडेंटिटी में लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। इस आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे बनाना है ये क्वेश्चन। सो सपोज कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टू द पावर 16 माइनस 24 इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 8 प्लस 1। सो आप लोग को ये क्वेश्चन देखे बहुत ही टफ लग रहा होगा अगर आपको टेक्निक नहीं पता है तो। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 24 को तोड़ना है दो हिस्सों में। 24 को तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं 12 इंटू 2 भी हो सकता है या फिर
सिक्स इंटू फोर भी हो सकता है, यही दो है और भी है 24 इंटू वन, वन इंटू 24, बट वो हम लोग नहीं लेंगे। हमें इसे इस फॉर्मूला में डालना है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में डालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 6 और 4 जो है ये 5 के करीब है, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 होता है और 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 24 को 5 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 1, 24 को हम लोग 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे। अब देखिए ये जो है आपका टर्म 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, दैट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, बाकी का टर्म वैसे ही रहेगा। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि 5 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये दोनों को हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरह। ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 4 माइनस 1, बाकी के क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 8 माइनस 1 और यहां पे 5 टू द पावर 8 प्लस 1 है। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगेन हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 16 माइनस 1। सो यहां पे इस टर्म में क्या हुआ, 5 टू द पावर 16 माइनस 5 टू द पावर 16 है आंसर आपका, ये कट हो जाएगा ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बिकॉज यहां पे माइनस है और यहां भी माइनस है, सो आपका आंसर होगा 1। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपको आंसर 1 लिख देना है विदाउट एनी कैलकुलेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा में, ए प्लस बी टू द होल क्यूब का फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं ए प्लस बी टू द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, a का वैल्यू यहां पे पुट हुआ है x और b का वैल्यू है 1 बाय x, तो वही हम लोग करते हैं x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस 3 इंटू x बाय 1 बाय x इंटू x प्लस 1 बाय x। यहां पे x और x कट जा रहे हैं, ये बन जाते हैं 1, सो इसके वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और ये वैल्यू जो है ये सेम वैल्यू है। सपोज इस वैल्यू को अगर हम लोग पी लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या हो सकता है, पी क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू पी।
मैंने यहाँ पे पी इसलिए लिया है, ये आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएंगे, क्योंकि जब भी हमें एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना पड़ता है तो हम लोग पी क्यूब में से 3p को माइनस कर देते हैं। इस आइडेंटिटी को याद रखिए, बिकॉज इसी पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सपोज एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को √5, और क्वेश्चन में बताया जाए कि एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है। सो हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स पी का वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है। सो यहां पे क्या है, हमें पी का वैल्यू को पुट करना है, पी टू द पावर क्यूब, दैट मीन्स √5 का पावर क्यूब माइनस 3 × √5 हम लोग यूज करेंगे। यहां पे √5 का क्यूब आप लोग कीजिएगा तो 5 √5 होगा माइनस 3 √5। यहां पे हम लोग √5 को कॉमन ले लेते हैं और 5 − 3 = 2 हो जाता है, तो 2 को हम लोग यहां पहले लिखेंगे और फिर √5 को बाद में। सो आपका आंसर हो जाएगा 2√5। इसी क्वेश्चन के एक हाई लेवल क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, वो समझते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। हम लोग का क्वेश्चन है नेक्स्ट इसी पे आधारित है, 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू √5। सपोज कि यहां पे x के जगह पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है 2x या फिर 3x, और हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x^3 प्लस 1/27 x^3 का वैल्यू क्या होगा। सो घबराना नहीं है, ये भी सेम तरह से बनेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से पी क्यूब माइनस 3p था, ठीक है। और एक और चीज हम लोग पिछली बार में देख सकते हैं कि यहां पे जब हम लोग 3p निकाल रहे थे तो x और x कट गया था, बट हमारे क्वेश्चन में यहां पे x के वैल्यू में 2 और 3 है, तो हम लोग इसके वैल्यू को लिख लेंगे यहां पे 3p के जगह के बाद यहां पे 2 और 1/3 का वैल्यू पुट होगा। उसी टाइप से क्वेश्चन को बनाते हैं क्योंकि वो कट के 1 हो गए थे। सो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पी का वैल्यू √5 है तो √5 का हम लोग यहां पे क्यूब करेंगे, क्योंकि पी क्यूब था फॉर्मूला, माइनस 3 × p है, पी का वैल्यू है √5। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्स और 1/x नहीं है, यहां पे वैल्यू है उसका कुछ, सो हमें लिखना है 2x × 1/3x। इस वैल्यू को लिख देना है, एक्स एक्स सबसे पहले कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे, अब देखिए 5 × √5 होगा, √5 का क्यूब 5 × √5 माइनस 2√5 यहां पे होगा 3x, x और ये 3 कट गए थे। यहां पे हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे और 5 − 2 ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, 5 − 2 होता है 3 और √5, 3√5 हो गया इसका आंसर। सो यहां पे आपके आइडेंटिटीज वाले अलजेब्रा खत्म हो गए हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ रहता है, हमें सपोज कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे ये और हमें निकालना है ये। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सपोज कि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + 1/x² का वैल्यू 7, और हमसे पूछा जाए x प्लस
वन बाय एक्स का वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ था और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू हमें निकालना था। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू के स्क्वायर करके पी का स्क्वायर करके टू माइनस किया था। सो हम लोग ठीक उसके ऑपोजिट से चलेंगे, सबसे पहले टू को प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तभी हम लोग का एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू निकलेगा। सो इसके लिए हमें क्या करना है, एकदम सिंपल सा मेथड है, हमें सेवन में टू का वैल्यू ऐड करना है क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने माइनस किया था। ये आपके रिवर्स क्वेश्चन है और फिर उसे अंडर रूट कर देना है, सेवन प्लस टू इक्वल्स टू नाइन होता है, इक्वल्स टू थ्री आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपके रिवर्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कई बार, जैसे x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय x टू द पावर 3 इक्वल्स टू 322 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको आंसर पूछ रहा है x प्लस 1 बाय x के बारे में कि क्या होगा आंसर इसका। आपको याद होगा कि हमें निकालने के लिए पी क्यूब माइनस थ्री पी का यूज किया था। सो ठीक इसका ऑपोजिट हम लोग चलेंगे बिकॉज ये एक रिवर्स क्वेश्चन है। सो 322 इक्वल्स टू पी क्यूब माइनस थ्री पी है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी को कॉमन लेके पी स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। सो यहां पे आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं माइंड में ही कि ऐसे कौन से वैल्यू है जिसके स्क्वायर से 3 को माइनस करेंगे और p का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे कि आंसर हमारा 322 आएगा। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। आप p का वैल्यू यहां पे पुट करके भी देख सकते हैं p का वैल्यू, क्योंकि ये 322 है तो आप पी का वैल्यू कुछ इमेजिन कर लीजिए 5, 6, 7, आप उसे रफ में यहीं पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं और फिर अल्टीमेटली जब आप 7 को कैलकुलेट कीजिएगा पी का वैल्यू 7 रख के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 से आपका ये 322 आंसर आ रहा है। सो पी का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 7। इसे आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ये वैल्यू पुट मेथड से करेंगे। चलिए वैल्यू पुट मेथड ही आपको बता देता हूं इसके बाद क्या है वैल्यू पुट मेथड में। वैल्यू पुट मेथड, वैल्यू पुट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस अगर दिए हुए रहे तो उसका हम लोग कुछ वैल्यू इमेजिन करके उस पर पुट करके देखते हैं कि क्या ये आंसर ला रहा है या नहीं। इससे हम लोग कैलकुलेशंस के टाइम काफी ज्यादा घट जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, सपोज कि 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 40 है और xy इक्वल्स टू 6 है। सो हमें फाइंड करना है 3x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो हमें यहां पे वैल्यू पुट करने हैं, एक्स और वाई के मल्टीपल 6 है, 6 के मल्टीपल हम लोग जानते हैं 3 और 2 होते हैं, 1 और 6 लाइक भी हो सकते हैं। सो हमें यहां पे एक बार एक्स को 3 लेके देखना पड़ेगा, वाई को 2, और एक बार वाई को 2, एक बार y को 3 और x को 2 लेके देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लोग x को 3 रख के देखते हैं रफ में। अगर x 3 है आपका, सपोज 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36 होते हैं, प्लस यहां पे y के जगह पे 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है इक्वल्स टू 40, सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं,
वैल्यू ऑपोजिट कर देते हैं. एक्स का वैल्यू सपोज कि हम लोग टू लेते हैं, टू टू जब फोर होता है और फोर इंटू फोर सिक्सटीन होते हैं, सिक्सटीन प्लस थ्री स्क्वायर नाइन, सो आपके आंसर हो जाएंगे 25. 25 तो नहीं है यहां पे, सो टू और थ्री नहीं हो सकते, थ्री और टू हो सकता है. सो यहां पे हम लोगों को पुट कर देना है कि एक्स का वैल्यू निकला है थ्री और वाई का वैल्यू निकला है टू. थ्री एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू पूछा गया था, तो थ्री इंटू थ्री नाइन होता है और टू इंटू टू आपके होते हैं फोर, सो आपके आंसर हो जाएंगे 13. नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू पुट मेथड से ही हम लोग करेंगे. सपोज क्वेश्चन पुट किया गया है यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट माइनस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है और सेवन एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है. सो हमें एक्स और वाई दोनों के वैल्यू निकालने हैं. यहां पे बहुत ही सिंपल है, हम इस वाले इक्वेशन से एक्स और वाई दोनों के वैल्यू निकालेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर एक्स प्लस एट माइनस फोर वाई, यही इक्वेशन दिया हुआ है. आप लोग को यहां पे गौर से देखना है कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में है. ये आपका एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर और वाई माइनस टू टू दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है. मैं आपको दिखाता हूं कैसे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस फोर एक्स है, हम लोग माइनस फोर एक्स को लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे एट है, एट को हम लोग फोर प्लस फोर भी तो लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो प्लस फोर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है. उसके बाद ये हो जा रहा है वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, फोर और फोर एट होता है, प्लस फोर का आधा टुकड़ा हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं. अब आप लोग देख सकते हैं यहां पे ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये वाला, और ये वाई माइनस टू टू दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है इक्वल्स टू जीरो. इसका वैल्यू जीरो तभी हो सकता है जब एक्स का वैल्यू टू रहे और वाई का वैल्यू भी टू रहे, बिकॉज जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है. आप इसमें दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं लेकिन वो आपके कैलकुलेशन के लिए लेंदी हो जाता है. हम लोग इमेजिन करते हैं कि इसका वैल्यू भी जीरो है, इसका वैल्यू भी जीरो है. सो यहां से एक्स का वैल्यू निकलता है टू और वाई का वैल्यू भी निकलता है टू. हमें निकालना था सेवन एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू. सो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू टू टू पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या निकलता है. यही है क्वेश्चन, सेवन इंटू टू प्लस टू इंटू टू 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 18 आपका आंसर है. सो ये है आपका वैल्यू पुट मेथड. आपको इस टाइप से वैल्यू पुट करके आंसर्स निकालने हैं. वैल्यू पुट मेथड से ही हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ये आपके गिवन है और आपको निकालना है वैल्यू ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी. एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए आपको सबसे मिनिमम वैल्यू पुट करना है. यहां पे दिया हुआ है ए बी और सी, इसका सबसे मिनिमम ऐसा क्या वैल्यू है जो आप लोग पुट कीजिएगा कि आंसर जीरो आएगा और यहां पे कैलकुलेशन में भी आपको इजी रहेगा. सो यहां पे मैं इमेजिन कर लेता हूं ए का वैल्यू माइनस वन, बी का वैल्यू भी माइनस वन और सी का वैल्यू टू. माइनस वन प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ओके. सो ए बी और सी का वैल्यू हमने पुट किया है खुद से इमेजिन करके और आपको भी ऐसे ही करने हैं. सो ये सारे वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करते हैं. माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, बी इंटू सी हो जाएगा आपका माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस
बी स्क्वायर बाय सी ए, बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा और सी ए हो जाएगा माइनस टू प्लस फोर और ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा वन. ओके यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम लोग टू ले लेते हैं, माइनस वन माइनस वन और यहां पे हो जाएगा आपका प्लस एट. माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, प्लस एट हो गया, ये सिक्स डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स टू आपका थ्री आंसर. सो इस टाइप से आपको ए बी और सी का वैल्यू सबसे मिनिमम रखना है जिससे आप लोग आगे की कैलकुलेशन कर सके. नेक्स्ट ऐसे वैल्यू पुट मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, इसमें भी आपको वैल्यू ही पुट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज आपको दिया जाए a माइनस थ्री टू दी होल स्क्वायर प्लस b माइनस फोर टू दी होल स्क्वायर प्लस c माइनस नाइन टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी टू दी होल रूट स्क्वायर का फॉर्म का वैल्यू निकालना है. सो यहां भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये तीनों को ऐड करके जीरो निकलता है. सो हम लोग यहां पे क्या करते हैं काम, ए का वैल्यू थ्री रखते हैं, बी का वैल्यू फोर रखते हैं, सी का वैल्यू नाइन रखते हैं. थ्री माइनस थ्री जीरो, बी फोर माइनस फोर जीरो और नाइन माइनस नाइन जीरो. सो हम लोगों ने क्या किया, ए का वैल्यू थ्री रखा है, बी का वैल्यू फोर रखा है और सी का वैल्यू नाइन रखा है. अब ए बी सी का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, थ्री प्लस फोर प्लस नाइन आपके हो जाते हैं सिक्सटीन और रूट सिक्सटीन का वैल्यू होता है फोर. सो ऐसे ही आपको एकदम सिंपल वैल्यू रखना है सो दैट कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा. सो ये था एलजेब्रा. एलजेब्रा का सिलेबस खत्म हो चुका है. नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी क्वेरीज है या फिर कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट कर दीजिए. मैं आपके सारे डाउट्स पढ़ूंगा और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर भी करूंगा. और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं सारे के सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं. ये सेवन डेज का क्रैश कोर्स है, सेवन डेज के अंदर आपके सारे के सारे सिलेबस खत्म कर दिए जाएंगे. और एग्जाम से पहले सिर्फ मेरे वीडियोस देख के आप जा सकते हैं, सारे के सारे वीडियोस देख के जा सकते हैं और मैं एश्योर कर सकता हूं कि आपके आरआरबी एनटीपीसी निकल जाएगा, आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे वो भी अच्छे मार्क्स के साथ. बिकॉज सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ये सारे के सारे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं. आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है दो बार तीन बार, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एलजेब्रा से. सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को जल्द से जल्द और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. वीडियो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, शेयर कीजिए, सारे फ्रेंड्स मिलके पढ़िए. इसके बाद हम लोग मैथ्स के और भी लेक्चर्स लाएंगे, रीजनिंग के आएंगे और आपके जनरल अवेयरनेस के भी वीडियोस आएंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.